तो सामने मोर नाच रहा है। वेलकम टू ये है माय मोर। ब्लॉग गाइस, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते कि उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस, जैसे कि हम बिल्कुल ठीक हैं। और भैया, और सुबह सुबह उठ टाइम में हम देखो आए गए चारा काट में। जो है किसानों का औजार, किसान औजार अपने साथ ही रखते हैं भैया। और हमारे बैकग्राउंड देख लो भैया, पौधा खड़े हैं नीम को। और इतने देखो देसी आम, जो रोजाना आम खाते टपका वही वालों, इतने देख लियो तुम गाइस। ये कमेंट में बताइयो जे काय को पौधा है, और नहीं तो हमें कमेंट में पूछ लियो काय को है, कितना अच्छा लग रहा हो। हमारे गाँव में बहुत होते हैं, देख लियो तुम, बता दियो कमेंट में, जाना तो, नहीं तो हमें कमेंट में पूछ लियो। और दोस्तों, मैं चारा काटने आया था और सोचा कि मैं एक ब्लॉग बना लूं। वैसे तो हमारे ब्लॉग चलते नहीं हैं, आप लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, दिल नहीं लगता बिना बनाए तो। भैया औजार हाथ में है ही, और जो चारों खड़ोई तो फिर काट में मुका दे रही है। दोस्तों काटते हैं, मोर बोल रहा है, मोर की आवाज़ सुनिएगा दोस्तों, कैसी लगती है आपको मोर की आवाज़, कितनी सुरीली होती है और कितनी सुंदर होती है, मधुर। दोस्तों आवाज़ होती है बहुत ही सुरीली, आपने सुना होगा कितनी मधुर आवाज़ में मोर बोलती है। जो देश की राष्ट्रीय पक्षी मोर ये है, जो हम आपको आवाज़ सुना रहे हैं। पीछे जंगल है, उसी जंगल से आवाज़ आ रही है, और हम चारा काटने आए थे इसलिए जंगल में नहीं जा रहे हैं। फिर अगले वीडियो में आपको जंगल दिखाएंगे, जंगल उसमें बंदर भालू चीता सभी रहते हैं जंगल में, वो भी आपको दिखाएंगे। आज मोर की आवाज़ आप सुन लो। आ चुके हैं चारा काट के चक्की पर, जहाँ पर हैं हम वो चक्की ही जगह है। आओ चलते हैं, चक्की दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये रही हमारी चक्की, और इधर रहा टिस्विलर। और मैंने और कुछ कमेंट भी में भी पूछा है वो पौधा किसका था। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना पौधा किसका था। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको मेरा धन्यवाद। और भैया लाइक कर दो करो, दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।